किसान नेता है अभिमन्यु कौर जो की पहुंच चुके हैं बड़ी मशक्कतें और मेहनतें झेलकर, परेशानियां झेलकर। अभिमन्यु जी बस इतना जानना चाह रहा हूं कि रास्ते बीच क्या हुआ है आपके साथ? देखिए केएमपी से ही रोड जाम कर रखा है पुलिस ने जानबूझ के, बैरिकेटिंग लगा रखी है, चार जगह बैरिकेटिंग है करनाल बाईपास तक, और पूरे तरीके से परेशान किया है। आप देखोगे करनाल बाईपास से लेके केएमपी के पीछे तक पूरा रोड जाम है। अभी भी हमारे 400-500 भाई है वो करनाल बाईपास पे रोके हुए हैं। आपको कैसे फिर छोड़ा है? क्या क्या? बहुत जाम लगा हुआ है, एक एक करके एक एक लेन में निकाल रहे हैं। उन्होंने हमें आने दिया, एक दो जगह रोका, हमने बीच में खड़े होकर रोड जाम कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। ठीक है, तो अभिमन्यु कौर जो कि पहुंच चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, उन्होंने बताया है कि कितनी परेशानियां हुई है जंतर मंतर पहुंचने में, क्योंकि हर जगह जाम लगा हुआ है और हर जगह दिल्ली पुलिस हो या और राज्यों की जो पुलिस हो, जहां जहां से किसान आ रहे हैं वहां हर तरफ किसानों को जंतर मंतर पहुंचने से रोका जा रहा है। किसान आंदोलन में 13 महीने तक अहम भूमिका अदा करने वाली महिलाएं रही थी। आपको मालूम होगा कि कुछ वक्त से जो प्रदर्शन हुए हैं, CANRC का शाहीन बाग की बात हो या एक अहम आंदोलन किसान आंदोलन की बात हो, कि जिसमें अहम रोल में नजर आई थी महिलाएं, आज वही महिलाएं मेरे साथ हैं जो कहीं टीकरी बॉर्डर पर, कहीं सिंघू बॉर्डर पर आपको 13 महीने तक जिद्दोजहद करती नजर आई होंगी। आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जिद्दोजहद की थी और जो मेहनतें की थी, क्या उसका फल मिला नहीं या सरकार ने आपकी सुनी नहीं? जो 3 कानून साढ़े मोदी ने रखे सी, वो 3 कानून साढ़े रद्द कर दिए, वो तो मान गया। जो दूसरी साड़ी मंगा सी, वो साड़िया मंगा सारिया अधूरिया पई हैं। MFC की गारंटी लेनी है, वो नहीं मिली। जो लिखमपुर कतलकांड होया उसका सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। असी किसानों ने चाहा था कि हमारे जो कर्जे है वो सारे मोदी रद्द करे, वो भी नहीं रद्द करे। और एक सारा बिजली का जो शोध बिल है वो दोबारा लागू कर दिया, वो असी कदे भी दोबारा लागू नहीं होने देवांगे। दूसरा जो किसानों पर साढ़े केस पाए सी, किसी को पराली पा, किसी को झंडा जड़ाने का, किसी को किसी का, वो सारे ऐसी केस रद्द करवाने हैं। वो सारा कुछ ऐसी करवा के जावांगे। आज का धरना तो साढ़ा एक दिन का था, जो आज साड़ी असी मांग पत्र राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं, वो मांग पत्र राष्ट्रपति लवेगा ना लवेगा वो सानू बाद में पता लगेगा। जे उसने मांग पत्र ना लिया था असी उससे बड़ा संघर्ष बिड़ांगे। जो असी 13 महीने पहला बैठे हैं असी हुण भी बैठ सकते हैं। असी अच्छा, दोबारा भी उतना ही बड़ा आंदोलन हो सकता है? हाँ, दोबारा भी आंदोलन हो सकता है। असी सब मंगे आप मना के जाएंगे। आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हो रहा है आपका, ये शाम तक चलने वाला है आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों पर अमल होगा, या आज जो आप एहतजाज कर रहे हैं उसके बाद क्या होने वाला है? बल्कि जिन्हें साढ़े डल्लेवाल साहब कहें जैसे उन्हें करेंगे, जिन्हें साढ़े आगुआ का होगा हुक्म। अच्छा, बस उस तरह से थकाए पाए मोदी ने। तो ये मंगा मंजूर कर ले, ये जो कुछ महिलाएं हैं जो कि अहम भूमिका में आपको नजर आई होंगी उस वक्त के जब ये आंदोलन 13 महीने तक बॉर्डर्स पर चल रहा था और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर थे कि जिनको पूरी तरह से बंद किया गया था, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि किसानों ने बंद किया, किसानों का कहना था कि पुलिस ने बंद किया, ये भी एक कश्मकश थी। लेकिन सवाल अब ये है कि जब किसानों से कुछ वादे किए गए और उसके बाद उन वादों पर अमल नहीं हुआ तो अब क्या होना चाहिए? तो जो महिलाएं उस वक्त अहम भूमिका में नजर आई थी, आज वही महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही हैं। उन्हीं की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं कि जिन्हें आपने अक्सर देखा होगा, बुजुर्ग महिलाएं थी और बॉर्डर्स पर कमान संभाले हुए आपको नजर आई थी। आज वही महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और ये एक दिन का जो धरना है वो दिया जा रहा है, इसके बाद ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बात करने की कोशिश करते हैं इनसे कि आज आने का क्या मकसद है, इनका डिमांड क्या है। अम्मा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो एक आंदोलन किया था, एक लंबे समय तक आंदोलन चला आपका, बहुत अहम भूमिका में महिलाएं नजर आईं, लेकिन आज ज़रूरत क्या पड़ी कि आपको जंतर मंतर पर इस तरह आकर बैठना पड़ा? ये साढ़े वादे पूरे कर दे,
ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ अच्छा तो अभी क्या आपकी डिमांड क्या है आप मांग क्या करने के लिए जंतर मंतर आए मांग दे दम साडे ना पूरे करे सी के भी आ देऊंगा संडे एक तो भी नहीं पूरा होया तो अच्छा तो आपको ये लगता है कि अब मानेगी सरकार क्योंकि पहले तो नहीं मानी आपकी इसका मतलब आप कहते हैं कि नहीं मानी साडे गड्डियां थे इधर थल्ले इन्ने मारते साडा ना उन्ना दा कुछ बनाया हां जी तो इनको लगता है कि इनकी बात मानी जाएगी और इनको ऐसा भी लगता है कि जो वादे किए हैं उन्हें पूरा भी किया जाएगा आपको क्या लगता है आप बताइए नहीं बताएंगे चलिए कोई बात नहीं आप बता दीजिए कि क्या लगता है अब मानेगी सरकार या नहीं मानेगी क्योंकि लखीमपुर मामला हुआ कितने किसान मारे गए उसमें तो उन सबको लेकर क्या आपके दिल में है इस वक्त क्या तो बहुत है पर सरकार मान नहीं रही वादे की वजह फिर ऐसे वजह करके तो सड़कां ते बहने वजह पूछने वास्ते कोई राह नहीं पाते फिर MSP की गरंटी का कानून नहीं बनाया हजे समामी नमाथ रिपोर्ट नहीं तैयार करी वो नहीं दे रहे कुछ भी नहीं कर रहे ना कोई मुआवजा ना कुछ फिर औखे होके सड़कां ते आना पैंदा किसान कुछ रहा भी है नहीं किसानों को किसानों के लिए एक चीज मुझे ये भी बताइए कि क्या सिर्फ किसानों के ही विरोध में आपको नजर आ रही है सरकार या फिर खास तौर से महिलाओं के भी विरोध में है ये सरकार महिलाओं पहले होता है अच्छा दुख जदों किसानों नु नहीं कुछ मिल रहा महिलाओं नु ज्यादा विपता छिड़ती है आना पैंदा है किसानों मगर फिर सरकार तो किसी पक्ष चो नहीं है आई हालत भी कोई कामयाबी कोई जहाँ भरोसा दवा ये तो हूँ किसान जागरूक हो गया तो सड़क से बैठा करें अच्छा हाँ जेलों भी जा सकते हैं जेलों में भी जा सकते हैं हाँ आप भी अपनी मांग लेकर आई हैं यहाँ आप एक महिला हैं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक महिला है बिल्कीस बानो गुजरात 2002 में कि जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उनके जो दोषी थे उनको 15 अगस्त के दिन जिस दिन देश आज़ाद हुआ उनको आज़ाद कर दिया गया तो अब आपको क्या लगता है कि बिल्कीस बानो को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा उनके दोषियों को रिहा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था रिहा करता सरकार ने तो जो बंदी सिंह बैठे ने 30-35 साल सिर्फ उन्होंने नारे ही लाए होंगे 84 वेले जां कुछ होर विरोधता करी हो ते ओ बलात्कारियों नूं तां रिहा करता ते बंदी सिंघां वास्ते कुछ सोच नहीं रहे ते फिर आ फौज दा जे कोई भी फौज दे नौजवानां नूं 4 साल वास्ते करना इहदा भी असीं विरोध कर रहे हैं अच्छा क्या आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर सरकार की जो सोच है वो कुछ अलग सी है खिलाफ है खिलाफ ही है ये तो वोटों वास्ते कर रहे हैं हाथ बन के जो कहते हैं महिलाओं को 2000 देवे 4000 देवे कल्ले पैसे नाल नहीं बनता महिलाओं ने अच्छा हाँ महिलाओं को तो सारे पक्षों से भरोसा चाहिए ते तो हम इस दिल्ली ची डेरे लाया करांगे उदो बार्डर से बैठे सी हूँ दो बार दिल्ली जा गए हूँ इतने लियावे ट्रालियाँ ट्रैक्टर आएंगे दिल्ली हाँ फिर क्या होगा है? फिर क्या होगा नहीं अगर नहीं नहीं आप कह रही हैं लेके आएंगे ट्रैक्टर दिल्ली आएंगे तो फिर ये जो इतनी फोर्स खड़ी है ये जो पुलिस वाले खड़े हैं इतने सारे जिनके हाथों में बंदूकें हैं लाठियां हैं डंडे हैं तो वो खामोश थोड़े ना बैठेंगे फिर अगे भी लाठियां चलनी है हूँ भी चल आएंगे हूँ भी चल आएंगे लाठियाँ अच्छा हाँ गुल्लियाँ खानी बिगड़ जाएगा अगे माहौल साफ है कलिए अगे अगे नहीं माहौल अब क्या है माहौल हरेक पास ही देख लो है कोई सुरक्षित कोई बच्चा कोई महिलाओं कोई नौजवान है फिर नशा ओदा नहीं कुछ कर रहे हैं इन्होंने तो पंजाब बर्बाद करता हूँ हिंदुस्तान हो जू अच्छा हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे तो ये कुछ महिलाएं हैं जो इस वक्त अपनी बात रख रही थी और इनका कहना है कि ना तो महिलाएं ना बच्चे ना नौजवान
कोई भी सुरक्षित नहीं है और ट्रैक्टर एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर जरूर चलेंगे।